हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कविता मैम, और आप मैंने उस दिन आपको योगा करने के लिए कहा था। हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ आज फिर से योगा करेंगे। तेज बोल रही हो, तेज योगा करने हमें मैंने आपको बताया था उस दिन कि हमें सुबह उठना है अर्ली मॉर्निंग, तो पूरे परिवार के साथ योगा करना है। लॉकडाउन है तो हम फिट रहें, इसीलिए हमें योगा ज़रूरी है। हल्के फुल्के वार्म अप के बाद हम करेंगे आज सूर्य नमस्कार, और आप सभी को करना है, सब कर सकते हैं इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेच करना है हमें, पीछे वाले लेग बिल्कुल स्ट्रेच करना है, फिर दूसरा लेग पीछे लेके जाएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर फोल्ड, इसके बाद हम फिर से एक बार त्रिकोणासन करेंगे। लेफ्ट राइट, बिल्कुल हैंड सीधा होना चाहिए। चलो कोई भी आसन हम 1 से 10 बार कर सकते हैं, वो करते रहना चाहिए हमको। करेंगे हम ब्रजासन। ब्रजासन में हमें ये अपने हिज रखने हैं, यहाँ पे बैक पे बिल्कुल नीचे और सीधे बैठना है। सांस लेते हुए और छोड़ते हुए स्ट्रेट रहनी चाहिए। बाद हम करेंगे मंडूकासन, पेट अंदर ले जाइए, यहाँ तक यहाँ रखना, और सांस भरते हुए हम नीचे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, ध्यान रखना मंडूकासन में हमें अपनी चीन को नीचे जमीन को छुआना है। यही आसन है जिसे हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को सही करता है। ये आसन हम किसी भी टाइम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, तुरंत खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से हमारा बैक बोन स्ट्रॉन्ग होता है, जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। होल्ड कीजिए, सांस नॉर्मल रखिए, सांस लेते हुए छोड़ते हुए। कोई भी आसन हम 1 से 10 बार कर सकते हैं। इसे देखो एक बार फिर देख लीजिए, ऐसे जाएंगे फिर पीछे खींचते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए। होल्ड कर सकते हैं हम, होल्ड जब हम अपने आप को एक जगह होल्ड करते हैं तो सांस अपनी नॉर्मल रखते हैं, सांस लेते हुए छोड़ते हुए। रिलैक्स, कोई भी आसन करने के बाद जब हम थक जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स में जाएंगे। रिलैक्स,
हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में जाइए, सीधे लेट जाइए ऐसे, और अपने ये हाथ बिल्कुल अपने शरीर को छूते हुए ऐसे, फिर हम सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। भुजंगासन करने से हमारा बैक बोन स्ट्रॉन्ग होता है। फिर सांस भरते हुए जाएंगे, रिलैक्स। कोई भी आसन हम जब करते हैं हम 1 से 10 बार कर सकते हैं। अब हम करेंगे पद्मासन। ये यहाँ पे रखिए, दूसरा पैर इधर, और बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए ऐसे, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, और हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं इसमें। कम से कम हम 5 बार इसको करेंगे, सांस खींचते हैं अंदर लेते हुए। सांस भरते हुए रिलैक्स। कोई भी आसन हम 1 से 10 बार कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरह अपने वजन को अपने हाथों पर उठा सकते हैं तो समझ लीजिए आप एकदम फिट हैं। और अगर आपका वेट आपके हाथों पर नहीं उठते तो आपको वेट कम करने की आवश्यकता है। ये देखिए, ऐसे आप अपने हाथों पे झूल सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सबको अच्छे से करना है और रेगुलर करना है, पूरे परिवार के साथ करना है। ओके बाय।